झंझट बड़ा का पानी पी रहा है, नदी का पानी बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फिलहाल मैं चाईबासा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हूँ। चाईबासा ही नहीं बल्कि झारखंड का सबसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभी मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है कच्ची सड़क शुरू हो जाती है और हम इन्हीं कच्ची रास्तों से होके हम जोजोहातू जाएंगे, जहाँ पर पोलिंग बूथ है, यानी कि कल वोट होना है। काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरा एक तरह से देख सकते हैं उन रास्तों में हमें देखने को मिल सकता है। मगर कल चुनाव है, जिसको लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान इन रास्तों के किनारे तैनात हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर इस तरह से गांव की महिला कुछ बेच रही है। क्या चीज़ यहाँ पर बेच रहे हैं? नाम आपका? नाम का है। और गाँव? अंजर बेड़ा। क्या चीज मिल रहा है यहाँ पर? बाल। हाँ, इधर है। हड़िया है? इधर है। ये बाल सब। ओ, आप बैल चरा रहे हैं? कल वोटिंग है, वोट देने जाना है कल। वोट? वोट दो के पास बाल। वोट है ना कल, जाना है। यहाँ पर देखिए, गांव की आदिवासी महिला है जो कि यहाँ पर हड़िया जो है बेच रही है। का दादी, जोहार। इधर आइए। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से चावल जो होती है, जिससे हड़िया बनता है, उसी को छाना जा रहा है। और यहाँ के आदिवासियों का जीवन देख सकते हैं किस प्रकार से। ये कच्ची सड़क के किनारे जो जोजोहातू से अंजद बेड़ा जाने वाला रास्ता है, उसी के किनारे इस तरह से महिला अपनी एक तरह से देखा जाए तो झोपड़ी नुमा बनाकर बेच रही है। का नाम? नाम दीदी टमसा है। गांव? अंजद बेड़ा। कितना रुपया का बेचे? कितना रुपया कर बेच ले? काजी तो है, इनका काजी दो। मुंडारी में बोलिए, मुंडारी में। सिमनम टका हम इसिंग। अरे बेचने का 5 रुपये डूबे थे ना, करेंगे तो ना। 5 रुपया डूबा? या 5 रुपये डूबे थे। अच्छा, कितना बेचे अभी तक? कितना डूबा? बिक्री होबा जाना ऐसो कम के बाबा। काहे बुझावता ना, हम लोग नहीं जानते हैं मुंडारी। तो इधर जो है बैल बकरियां जो है बता रहे हैं वो चराने के लिए यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ से अब निकलेंगे और आगे की तरफ आपको दिखाएंगे अंजद बेड़ा। गोरे तमसा है। गाँव? अंजद बेड़ा। कौन गांव में क्या दिक्कत है बोल रहे थे पानी का? उटार गुटो। कितना घर है वहाँ पर? 21 घर है। कहाँ का पानी पी रहा है? नदी का पानी बस। कितना दिन से खराब है? हो गया दो महीना। इसी तरह जो बह रहा है नाली वैसा से? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से जाना होगा रास्ता? इधर से ही। कच्ची सड़क है? हाँ जी। अच्छा, और इधर आगे कहाँ कौन कौन जगह पड़ेगा इधर आगे? अंजद बेड़ा से दायनासर जाएगा तो किचा बाई पे जाएगा, रेंगड़ा जाएगा। हाँ। अच्छा, ऐसा। और उधर जाने से? अंजद बेड़ा। यही तो अंजद बेड़ा। अंजद बेड़ा से आगे तुम्बा का पटाथर। तुम्बा उसी तरह है। हाँ, आगे से अगर ये हाट होगा, मार्केट होगा ना, मार्केट ये अभी मार्केट है, लगा है आज? ये तो मार्केट है आज, लगा है आज नहीं है, कब लगता है? सोमवार या शुक्रवार है। गांव में बिजली? हाँ, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है? दो दिन हो गया। नहीं है, दो दिन से नहीं है। नहीं है, लेकिन बारिश है ना। वोट देने जाना है चाचा, कल जाना है वोट देने। कौन जीत रही है, गीता की जोबा? जोबा माझी को देना है। जो भाई को देना है क्या? हाँ, सब मालूम है हमको, सब मालूम है। अच्छा, तीर धनुष ओए सांगा रो का बुदो। अभी आप मेरे पीछे देखिए, घना जंगल है और एक महिला जो है नदी का, एक तरह से नदी नहीं नाली है, वहीं पर जो है बर्तन धो रही है। क्योंकि ये जो जंगल इलाका है, खास तौर पर अंजद बेड़ा, पटा तरोप या फिर तुम्बाहा का तमाम
जो इलाके हैं वो काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित वाले इलाके हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो समस्याएं होती है वो जल्द सुनवाई नहीं होती है। कारण बस इतना है कि काफ़ी लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है, और जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों को हर तरह से देखा जाए तो असुविधा हो रही है। मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें कि यहाँ के गांव के ग्रामीण जो हैं लकड़ियों को ढोकर उसे चाईबासा ले जाते हैं, और 500-600 में शायद उनकी बिक्री हो जाती होगी, और उसी से वे अपना जीवन को चलाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, देखिए वहाँ पर बर्तन एक महिला धो रही है, और बताया जा रहा है इसी तरह के नाले से ये लोग अभी पानी पीने को बेबस हैं। तो आप लोग इसी से आप लोग का गुजारा होता है गांव में, खाने पीने का? हाँ, मतलब लकड़ी बेच के ही, मतलब यहाँ पे आप लोग को लकड़ी बेच के ही गुजारा हो रहा है वही? अच्छा, इसको कहाँ ले जाएंगे अभी बेचने? चाईबासा? कितना दूर? साइकिल से? अरे बाप रे, काफ़ी दूर ले जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र है जोजोहातू का, अंजद बेड़ा का, जहाँ पर आपने देखा होगा पिछले कई अगर सालों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नक्सलियों का गढ़ रहा करता था, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बूबी ट्रैप, आईडी बम इन जंगलों में मिलते थे। लेकिन कल वोटिंग होनी है, कल 13 मई है, और ऐसे में हम इन क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और ग्रामीणों से बातचीत कर जानेंगे कि इन गाँव में क्या क्या समस्या है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है। और अब जो है पटातारोप हो गया, जोजोहातू हो गया, अंजद बेड़ा हो गया, तमाम जो एक साथ इलाके हैं उनमें अभी सुरक्षा बलों के कैंप हैं, और कल वोटिंग को लेकर भी जगह जगह पर सुरक्षा बलों के द्वारा जो है यहाँ पर देखा जाता है पैनी नज़र रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती इन जंगलों में सड़क के किनारे रखी गई है, ताकि भयमुक्त वातावरण में सुरक्षा बल के जवान चुनाव करा सकें। जहाँ पर खड़े हैं बिल्कुल इसी तरह से कच्ची रास्ता आगे की तरफ जाता है, जो कि तुम्बाहा का, सरजमपुरु, तमाम जो इलाके हैं जंगल के, वो इन्हीं रास्तों से होकर आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम आपको बढ़कर दिखाएंगे कि आगे कुछ कैसा गांव का माहौल है।